हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वेलकम बैक। आज का व्लॉग आपका है बुद्ध मोनेस्ट्री जो कि आपका अमीनगांव क्रॉस करके जालुकबारी क्रॉस करके फिर अमीनगांव क्रॉस करके आपको 5-6 किलोमीटर दूर मिलता है और आपको आने का समय आपका राइट साइड में पड़ता है। तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लोकेशन डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये पीछे है वो गेट और मेरे साथ है मेरा बड़ी कोंकण तालुकदार, इसका भी ब्लॉगिंग चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। ऊपर थोड़ा देर ऊपर मतलब आपको चढ़ाई करना पड़ता है, पता नहीं कितना दूर होगा, फिर आपको दिखाते हैं कितना अच्छा प्लेस है, बहुत ही सुंदर है। आप हाईवे से आते ही आपको दिख जाएगा राइट हैंड साइड में एक बड़ा सा बुद्ध का स्टेचू है। सो चलिए, और आज इतना गर्मी है तो अब कुछ ज़्यादा ही, और ऊपर से मैंने ब्लैक पहन लिया है। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर में वो बड़ा सा स्टेचू है और थक गया हूँ, बहुत गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है आज। और ये लोग फाइनली पहुँच गए हैं, तो हमें लगा यही जगह है, पीछे लगा मुझे वही आपका एक पीछे शायद वो स्टेचू, मगर ये मेरे पीछे है, इस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। और वो रहा आपका स्टेचू, अगर आप देख सकते हैं। सो चलिए उधर चलते हैं, देखते हैं उधर का व्यू कैसा है, बहुत ही ऊपर है। और अभी हम लोग फाइनली रीच कर चुके हैं और अभी का व्यू आप देखिए। मैं पसीने से फुल्ली भीग चुका हूँ और पीछे वो स्टैचू, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक सेकंड। बहुत ही पीसफुल जगह है आपका, और गूगल मैप का लोकेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर कभी अगर आप गुवाहाटी में आए तो ज़रूर इधर आके एक बार ज़रूर देखिए, कितना अच्छा व्यू है और कितना मतलब बहुत ही सुकून भरा प्लेस है। और इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं और मैं निकल रहा हूँ अभी घर। और हाँ, टाइमिंग आपको बता दूँ कि सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ये इधर खुला रहता है, सो आपको इसी वक्त ना पड़ेगा। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।